आज हम बनाने जा रहे हैं पके हुए आम से बहुत ही नया तरीके से रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये कच्चे चावल और दाल से ये बनेगा ये मिठाई। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप चना का दाल। तो इसी में हम पानी डालेंगे अच्छे से धोकर, फूलने के लिए से 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। तो ये देखिए ये अच्छे से फूल गया है। तो इसे हम एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए तो इसे हम मिक्सी में डाल लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है और इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे पीस लिया है, बिल्कुल ही हमने इसे महीन पीसा है, बिल्कुल इस तरह का घोल होना चाहिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमने एक पका हुआ आम लिया है, इसका छिलका निकाल लिया है और इसे भी हम मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आम को भी अच्छे से पीस लिया है। तब हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए जो मैंने पीसा है वो है, इसी में हम ये आम को मिला देंगे। और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखिए तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस 1 गिलास पानी डाला है और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। और इसे हम मिला लेते हैं। चीनी को बिल्कुल ही हमको एक तार या दो तार का चाशनी नहीं बनाना है, जैसे हम गुलाब जामुन का चाशनी वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से ही हमें बस चीनी को पकाना है। तो ये देखिए हमारा चाशनी है जो तैयार हो गया है। तो इसमें हमने 3-4 इलायची को कूट कर डाला है। अगर आपके पास खड़ा इलायची नहीं है तो इसके जगह आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चाशनी हमारा हो गया है, तब हम इसे ढक कर रख देते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो गया है और ये भी अच्छे से थोड़ा फूल गया है। तो इसमें चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा डाला है और इसे हम मिला लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल भी हमारा गरम हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से इस तरह से डालते जाएंगे। तो सुनहरा कलर का हो गया तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे। इसी तरह सुनहरा कलर होने तक उलट पलट के हम तल लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इसे हम गरम गरम चाशनी में ही डाल देते हैं ताकि अंदर तक इसका चाशनी जो घुस जाए और खाने में ये रसीला लगे। ऐसे हम 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटा हो गया है और ये देखिए ये अच्छे से फूल गया है, अंदर तक चाशनी है जो घुस गया है। तब हम आपको सब करके दिखाते हैं। ये देखिए इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।